हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली। तो आज इस वीडियो को देख रहा हूँ वो शुएब इब्राहिम और दीपिका, लाइक उनकी फैमिली का ईद का व्लॉग है। ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं तो देखते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सच्ची लग रहे हैं, ये तैयार हुए हैं। बहुत मुबारक, खैर मुबारक। सुबह खाना वगैरह सब लोग बांट के घर आया, अभी सोए नहीं हूँ, फिर नमाज अदा की, हम जाएंगे नीचे अम्मी से मिलने, उसके बाद वहाँ से आके मिलने के बाद फिर मैं थोड़ी देर की सुकून की मैं नींद, तो बस अभी जरूरी है हम भी लोगों से मिलने, सलाम करते हैं उनको, ईद मुबारक है ना। चलिए पहुंच गए, ईद मुबारक। आए माँ इंतजार कर रही है, ये दुआएं के बगैर ईद तो होती नहीं ना। ईद भी दी है कि नहीं दी? हाँ, अंकल आए व्हाइट ड्रेस, लाइक मैंने भी व्हाइट ही वेयर किया, वाइट अच्छा लगता है मुझे ईद पे। नौ सास दा प्यार हो रहे वो बेचारी हंस के जो मिलो मिलो सर, कोई ना कोई निकाल देता है, सोई नहीं है ना वो भी। अच्छा सोए नहीं है, है ना, मिल गई ईद छुपा के दे रही, कितनी कितनी है सो रहा है। दे जितनी भी हो इदी इदी होती है। दिखाओ पैर, दिखाओ पैर, दिखाओ, ये देखो सब आगे ऊपर कर, ओ पेंट लगाओ। यार सर इस तरह की ड्रेस पहनने का फायदा हो जाता है। कल रात में सभा बेसिकली अपनी बालकनी डेकोरेट कर रही थी, तो ये उसी का पूरा पैर का जो है निशान। अभी सुबह लगाई है मेहंदी, ये देखो इसने क्या किया, सूख जा नहीं है पंजे में, सूख जाती ये देखो। दीप्पी दीप्पी इधर क्या लिखा हुआ है, आंटी की ईदी, ये तो बेस्ट ईदी होती है ना, लाइक माँ से मिले डैड से मिले, जितना मर्जी पैसे कमा लो, अम्मी अबू से पैसे लेने का ना अपने ही मजा। देखा 2000-3000 2000 अम्मी, ये क्या बात है, मेरे 1500 क्यों, ये क्या बात है अम्मी, क्यों तुम्हारे उसके उसके तुम्हारी बराबरी नहीं है, अम्मी ने पिछली बार भी बोला था कि ईदी भी हम शानू को कम देते हैं, मुझे ज्यादा देते हैं, पिछली बार बोला था अम्मी ने, अबू ने दी थी और मुझे अम्मी को उल्टी ज्यादा डबल ट्रिपल करके देनी पड़ी। पापा देख रहे हो, मजे अम्मी से मिल लिया है, सबको मुबारकबाद भी मिल गई है, सबको इतनी मुबारकबाद दे दी है। अभी मैं कुछ देर आराम करूंगा, आराम करना चाहिए, आंखें बता रही हैं, फिर नीचे जाएंगे लंच के लिए और फिर देखते हैं फिर शाम को क्या वगैरह आएंगे, दिन कैसे गुजरेगा। तो फिलहाल के लिए कटा बाय बाय। और जैसे ही मैं सोने गया तो उसके बाद फौरन से आ गए दीपिका के डैड यानी मेरे ससुर जी, तो उसके बाद भी मैं नहीं सो पाया, गप शप कर रहे थे। बड़ी स्वीट सी वॉइस थी पीछे से, ईद मिलने आए होंगे ना, कितना भी कोई बड़ा हो जाए, यही कह रहा था मैं, इतने पैसे कमाता हूँ बट अबू से 2000 भी ले रहा हूँ मंथली, इसका अलग ही फीस ना, यो फी आ रही है, आप पीजिए आप पीजिए, मेरी बन जाएगी अभी, आप पीजिए। आज ये सारी अरेंजमेंट है यहाँ पे, क्या होने लगा है स्पेशली ईद के लिए, ओके ईद के लिए अभी ज्यादा कुछ मिला, ये मच्छर मारने के लिए ना, मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे भी लॉकडाउन ही चल रहा है, ज्यादा कुछ मिला नहीं है, थोड़ा कलरफुल लगे ये है, यहाँ पे कुछ कैंडल्स आ गई हैं।
डाइनिंग वो स्पीकर स्टोरीज में देखता था डाइनिंग में खूबसूरत सही है। जैसे कि आपको पता है कि दीपिका का जो फोन है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है बातचीत में नहीं, सिर्फ जहां वीडियो शूट करते हैं तो वहां पे आवाज साउंड का थोड़ा सा इशू होता है। तो मैंने ना वो डस्ट आ गई होगी, तुम बार बार फोन खराब करोगे इसको साफ कर, मुझे चाहिए ही नहीं है। तो मैंने उसके लिए एक कैमरा थाने में मसला अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं यही सोच रहा था इसलिए सॉरी मैं थोड़ा स्लो स्लो होगा क्योंकि मैं अभी उठा हूँ। मुझे कैमरे की समझ नहीं आ रही कौन सा कैमरा, ये ना मैं कौन सा कैमरा लिया है श्री को या पाक कैसे सो रही है मैं बताता हूँ। ऊपर टिकला आ गया, वो बकवास कर रहा हूँ आज, अपना अपना फील हो रहा। सो जा नवाब, सो जा। अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास, कुछ खाने बज रहा है, 4 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया है और अब कुछ खाऊंगा। मैं मोस्टली ऐसे बैठ के देखता हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता बट मैं ऐसे देख रहा हूँ। नींद बेस्ट आती है ईद की नमाज के बाद। तो लंच जो है वो हम नीचे करते हैं और फिर डिनर सबका ऊपर होता है। आज ऊपर ही अभी लंच मंगा ली क्योंकि वहाँ पे ऊपर वो प्रिपरेशन कर रही है तो जल्दी हो जाता है, इसलिए ऊपर ही खा लेगी और मैं अभी नीचे करने आया। ये हमारे रेहान जनाब ऊपर चढ़ के लाइट्स को खोलते हुए सेटिंग करते हुए, तुम बताना नीचे साथ में ध्यान रखना। ये रिजा बहुत शिद्दत के साथ काम में लगी हुई है। मेहंदी मेहंदी बेच रेहान कहाँ छुपा है बेचारा रेहान आलोके ऐसे ऊपर नीचे तापमान सही है नहीं क्या कितना सोया हूँ मैं क्या कितना सोया हूँ 12:30 बजे सोया हूँ मैं। ट्विंकल हाय ईद मुबारक लेट्स रॉक बैठ के भी ये भी आज यहाँ पे आई हुई है, इनको तो आप इनके साथ देखते रहते होंगे इनके चैनल पे। नहीं मैंने देखा अंकित आजाद यूट्यूब चैनल कौन है। सो ये बन रहा है चिकन कोरमा हलाल हो सही तरह हिल नहीं रहा ना कुछ ज्यादा हो जाता है। शी कोरमा मेरा बन गया है, हिल रहा है, ये चीजें जो बनी है और दही बड़े के बड़े फ्राई हुए हैं और इतना ज्यादा मैं टाइट अप रही हूँ कि मैंने अपना ब्लॉग शूट नहीं किया है तो आप आज प्लीज ये देख कोई मसला नहीं। बिरयानी ये भाई साहब बहुत टाइट बॉइल्ड चिकन ये बड़े ये प्याज कटी हुई अच्छा लग सभी को अच्छा लगता है खुशबू दूर तक आ रही होती है जो बात है वो है जो है जो अंकित बोलता है ना वैसा मैं बस वही बता रहा हूँ। कमेंट पे ध्यान देना चाहिए बेचारा कितना खुश हो गया ऐसा बोल दिया उसने ऐसा बोल दिया मैंने बोला तू अच्छे कमेंट्स भी देखो यस अच्छे को नोट करना चाहिए यस ये मैडम अब रेडी हो रही है अब हो चुकी है शाम अब आएंगे सारे फ्रेंड्स और अम्मी पापा नीचे से ऊपर मैं हो गया हूँ रेडी ये है मेरा आज का कॉस्ट्यूम और ये नीचे से पूरा ब्लैक साथ बैठ के जैसे हमेशा करते हैं कुछ बैठ के साथ बैठ के गपशप करेंगे खाएंगे पिएंगे दूसरे के साथ बात देंगे और अभी मैडम जो है वो रेडी हो रही है अभी लोग मेरी दी बड़े भाई हो तब तक मेरा कुछ फोटो शूट चल रहा था फोटो दिखनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जाएंगे लास्ट में जाएंगे मैं आपको डाल लेता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही डाल दूंगा। ओके हाँ दोस्तों अब अपना दिल जिगर सब थाम के बैठिए क्योंकि अब तैयार होके आने वाली है मेरे दिल की मनिका यानी कि माशाल्लाह आइए आइए जबरदस्त अच्छे लग रहे खुश कितने हैं ना होना भी चाहिए ऐसे माशाल्लाह बहुत लग रही है यस माशाल्लाह लग रहा हूँ बोल सकती है लगे माशाल्लाह को सारे मान लीजिए हां एटीट्यूड आ गया
जाओ जाओ अरे भाई काम के चक्कर में हम लोग नहीं छूट कर पाए या जरूर तीन दिन होते इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी माशाल्लाह आप सब लोगों ने बहुत पसंद की नहीं देखी है तो जाइए देखिए ये नहीं मैंने देखा हुआ व्लॉग्स भाई फेशियल कराने गए थे फेशियल देखो शक्ल देखो भाई चमक रहे वॉश करके आए सही हो गए पहले माशाल्लाह थोड़ा सेव दे लड़के जो यार ये भी बड़ा स्माइली है चलो सबको ईद मुबारक बोलो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक मुबारक ये जो उस दिन सबको बहुत पसंद आए थे रशियन कपड़े वही बनाए हैं बस आज मैं दोनों तरीके से बना रही हूँ थोड़ी सेवियों में डिप करके और थोड़ी मैंने ब्रेड क्रम्स में डिप आंटी ने तीसरा सूट पहन लिया एक दिन अपना फोटो बड़ी बात है आए हाय जबरदस्त इससे ये अच्छा लग रहा है कोट उतार देते हैं वो नहीं हाँ उतार अच्छा लग रहा था हम दिखा रहे हैं अपने सूट के देखो कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है yes, अच्छा लग रहा है बड़ी बात है यार अकेली करती है मैं तो किचन में घुस जाऊं तो मुझे सारे इधर लगे फिरते रहो मुझे कुछ बनाने नहीं पड़ता सब कुछ वही बना तो हमारे यहाँ हर ईद पे फिक्स्ड होता है सुबह का अम्मी बनाती है और शाम का मैं तो सुबह की मुझे टेंशन नहीं होती हम लोग नीचे जाके खाते हैं मुझे लगी आई लाइक दैट बू एक वैसे ही वाइज बड़े पापा से ओके ये भाई को बड़े पापा इस्लामी को भी मुबारक आज तो खाना बनता है भाई खाओ आज डाइट प्लान का तो देखिए आज मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया आप लोग जानते हैं क्योंकि मैं आज किचन में बहुत ज्यादा बिजी थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेकिन मुझसे रहा नहीं गया ऐसे कुछ तो मुझे शूट करना चाहिए ना तो मैंने सोचा चलो श्वेत के ब्लॉग में ही सही तो अभी मैं सब लोग खाना खा चुके हैं और मैं अम्मी से पूछने जा रही हूँ मैं खाना कैसा लगा अम्मी कैसा लगा खाना बहुत अच्छा खाना खाना बहुत अच्छा हर चीज अच्छी बनी yes. बिरयानी और जो देख के लग रहा था कोरमा सब बनाया मैंने इधर टेस्ट ले लिया कोई तुम्हें पा ही नहीं सकता खाने में किसी की जोड़ी नहीं है वैसे वो हर बार वाली चीजें ही बनाई मैंने दही बड़ा क्योंकि वो हम सबकी फेवरेट है तो अभी कहीं ना कहीं हम सबका एक वो बन चुका है कि ईद है तो ये चीजें तो होनी चाहिए बहुत अच्छा कोई कमी नहीं और सुबह अम्मी ने मटन बनाया था वो भी बहुत अच्छा बना अरे हम दो तीन बार रिटेक कर चुके हैं कोई बात नहीं इन लोग को फोटो चाहिए इनको फोटो दे चलो उसके बाद जाके चेंज करो खत्म करो तो सीरो ही क्या बाबा बताओ कैसे करते हैं बताओ है नहीं बाबा चलो उठो देख के स्माइल आ जाती है माशाल्लाह अरे उठो वो तो बैठा है वो तो बैठा है उसको उठने का दिल नहीं कर रहा कि सीरियस था ये तस्वीर मैंने देखी थी बताइएगा आप लोग इसके बाद आपने शायद मेरे कुर्ते में देखा होगा ऐसे ना ब्लू कलर तो ये मैडम यहाँ चेंज करके मस्त आराम से देखो ये होता है जल्दबाजी करने की जब पहला निवाला आज ईद है मैं खिलाने आ रहा था खुद ही खा लिया है तो अभी कैंसिल दोबारा खिला रहा है कैंसिल अभी कैंसिल भूख लगी होगी मैंने नहीं खाया इसका खिला दो हाँ ये भी है क्या ये दही बड़ा ये भी है अच्छा बना मजे का लग रहा है वैसे वो हरी चटनी पड़ी हुई है ना साथ ऊपर तो वैसे मजे की लगती है
तो अभी खाना वगैरह हो गया है, अम्मी लोग का अच्छे से सबने खा लिया है, उन लोगों ने भी खा लिया है, मैंने थोड़ा सा खाया है, थोड़ा नहीं खाया है, मीठा मीठा खाया है, तो क्योंकि ज्यादा भूख नहीं लगी, कल से नींद नहीं हुई ना, तो इसलिए मन नहीं कर रहा खाने का। ऐसे ही है, बस अम्मी की बहुत ख्वाहिश है, अम्मी मुझे जब से वो आई है तब से बोल रही हूँ, अरे तुम इस बार पूरी सब लोग का वो नहीं ले रहे ईद मुबारक, सब लोग का ईद मुबारक नहीं ले रहे, ऐसे करने वाले। अम्मी की फरमाइश पे यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो स्पेशली अम्मी की फरमाइश पे इब्राहिम फैमिली की तरफ से, हम सब की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। वीडियो ईद का, एज सबको पता है कि ज्यादा कुछ करने को है, ये देखो इतना कुछ तो कर लिया यार, आप सबको पता है ज्यादा कुछ करने को है नहीं, तो बस आसपास के आसपास रहते हैं जो फ्रेंड्स हैं, जो एक फैमिली की तरह है, बस वो लोग साथ में शरीक थे और हम लोग ने ईद की खुशियां मनाई है, तो बस आदत हो गई थी, अगर अगर वो लोग ईद पे ना हो तो हमें ऐसे लेगा शायद हमारी फैमिली पूरी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं भी दोस्त से मिला हूं बस, अगर आपको अच्छा लगा हो, दो पल की खुशी मिली हो तो उसको लाइक मिली है यार, मैं तो भाई रिएक्शन दे रही है लाइक कीजिएगा, और मैं देखा नहीं था, मैं बिजी था थोड़ा, और फिर मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, आप भी रखिएगा, आप कल ये जा रहे हैं और इस बार लंबे, और इस बार लंबे जा रही है। पिछली दफा मैंने व्लॉग देखा था क्या हाल हुआ था, सारा दिन कभी इधर आना जाना नहीं होगा, बस जल्दी से सारी शूट्स जो है वो मुंबई शिफ्ट, जैसा कि मैंने बोला था कि कमिटमेंट है, और अब बहुत मेजर चंक मेजर ड्रामा शुरू होने वाला है, तो आप लोगों को देखने में भी मजा आएगा, तो इसीलिए अब मुझे वहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने बोला ठीक है एक बार लंबा रुक जाओ, क्योंकि बार बार आना जाना वो ज्यादा रिस्की है, और वैसे भी कोविड पता नहीं कितने दिन होते हैं, वो मैं अकेले रहूंगा, पता नहीं कैसे गुजरेगा, ठीक है ना, पहले वैसे तो पति बन के बड़े कंप्लेन करते रहते हो, हमेशा ऐसे ऐसे मुंह बनाते रहते हो कि परेशान करती है, ये करती वो करती, अब रहो अकेले, तो देखो वो तो हर पति का हक है, लेकिन दिल से नहीं होता, वो सिर्फ मन से, ऊपर ऊपर मन से नहीं, जो मर्जी है वो करिए, लेकिन अच्छी चीज पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार दीजिए, लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए, और हम सबको पूरी दुनिया को दुआओं में याद रखिए, फिर से आप सभी को हमारी तरफ से, शोइका की तरफ से, पूरी इब्राहिम फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक, बहुत मजा आया और लाइक बोलने कुछ और नहीं, मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, थैंक यू इतना एंटरटेन करने के लिए और दिखाने के लिए, थैंक यू शिव भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।